सभी देखने वालों का वेलकम है मेरे शो में, जिसका नाम है लो सामो। पांच बरस की उम्र में जब पहली बार रस्म में बिस्मिल्लाह पढ़ने की रस्म के लिए किसी बुजुर्ग के पास आपको बिठाया गया, फिर क्या हुआ? माँ ने भेजा बिस्मिल्लाह करें, कुरान शरीफ पढ़े। सुभान अल्लाह। उस्ताद साहब ने कहा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत ने 14 और एक रिवायत के मुताबिक 18 पारे जबानी सुना दिए। वो उस्ताद कहने लगा ये बच्चा पढ़ने आया है या पढ़ाने आया है? कहानियां करवाते हैं। माँ भेज रही है बिस्मिल्लाह कराओ, उसको 18 पारे याद है। ऐसे कैसे? उधर बच्चा कह रहा था उस्ताद जी पहला पढ़ा हुआ तो सुन लो। चलो चलो चलो। पैगाम भेजा माँ के पास, ये माजरा क्या है? तुमने भेजा बिस्मिल्लाह के लिए, इसको 18 पारे याद है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। तो माँ कहती है कोई ताज्जुब की बात नहीं, मुझे 18 पारे याद है, जब ये पेट में था मैं पढ़ती थी, इसने सुनकर वही याद कर ली है। हंसते पे नजारे, तोड़ा भी जिक्र है। उस बुजुर्ग ने अर्ज की शहजादे और भी पढ़िए ना। नहीं नहीं बस इतना ही है। फरमाने लगे बस मुझे इतना ही याद है। मैं 18 पारे का हाफिज हूँ क्योंकि मेरी माँ को भी इतना ही याद था। माशाल्लाह। जब मैं अपनी माँ के पेट में था मैं नहीं मानता, उस वक्त मेरी माँ जब पढ़ा करती थी अच्छा तो मैंने सुन सुन कर याद कर लिया था। उठ सामो। लेकिन ये बात साइंस मानती है कि वंस जब प्रेगनेंसी आइडेंटिफाई हो जाती है और यानी वो बच्चा बड़ा होता है और ग्रोथ की एज में आता है और 4 महीने गुजर जाते हैं उसके सुनने की और यानी सुनने की सलाहियत जो है उसकी काम करना शुरू कर देती है कान, तो वो जो बाहर की आवाजें हैं ना वो उनके साथ मानूस होता है। ये यानी साइंस मानती है इस बात को, उस माहौल का, यानी अगर माँ जो है वो कुरान की तिलावत करने वाली है तो वो उसके साथ मानूस हो जाता है, माँ की आवाज के साथ, बाप की आवाज के साथ। इसी से वो उन्होंने कहानी निकाल ली है ना कि शेख अब्दुल कादरी जी तो पैदा हुए थे 14 सपारे फसल। कैसा लगा मेरा मजाक? अलग इस लेवल तक नहीं कोई चीज होती कि कोई हिफज हो जाए किसी को, ऐसे पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल झूठ है।